नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले से झंडा फहराया, जहां 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस दौरान उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे और त्रिशक्ति का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर संवेदना व्यक्त की। वहीं अपने भाषण के दौरान वो भावुक भी हो गए। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने। मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहकर चाहता हूं, आपने देखा होगा, आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपने गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा कर देंगे। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाए। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत करने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे और दैविक प्रमाण होंगे। और इसलिए मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहकर चाहता हूं, आपने देखा होगा, आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपने गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा कर देंगे। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाए। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में
जो मेहनत करने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे और दैविक प्रमाण होंगे। और इसलिए